इंदौर में बड़े घोटाले का पर्दाफाश। कोरोना काल में हुआ राशन घोटाला। 51,000 परिवार चूके अपने हक से। विपत्ति काल में 51,000 परिवारों पर काल बना भरत दवे। राशन घोटाले का पूरा सच जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ जारी अभियान में इंदौर प्रशासन ने अब तक के सबसे बड़े राशन घोटाले का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। यह घोटाला कोरोना काल में हुआ है। इस विपत्ति काल में भी राशन माफिया गरीबों के हक में डाका डालने से नहीं चूके। राशन दुकान संचालकों ने अफसरों से मिली भगत कर 51,000 गरीब परिवारों के हक का करीब 2.5 लाख किलो से ज्यादा अनाज बांटा ही नहीं। कलेक्टर ने बताया कि तकरीबन 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार भरत दवे और प्रमोद दहीगुड़े के साथ इनके परिचितों के बारे में शिकायतें मिली थी। इनके द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान में या तो सामग्री दी ही नहीं जा रही या फिर कम वितरित हो रही है। इस पर 12 दुकानों को चिन्हित किया गया। 12 जनवरी को इन पर टीम ने दबिश देकर रिकॉर्ड एवं POS मशीन जब्त की। उसी दिन टीम ने इन दुकानों में संग्रहित राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन किया। जांच में अप्रैल 2020 से ही खाद्यान्न, शक्कर, नमक, दाल और केरोसिन की मात्रा कम या ज्यादा मिली। कई अनियमितताएं और भी पाई गईं। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड भरत दवे पर्दे के पीछे रहकर अपने रिश्तेदारों और परिचितों के नाम से राशन दुकानें संचालित कर सरकारी अनाज की हेराफेरी कर रहा था। भरत दवे न सिर्फ इंदौर बल्कि प्रदेश के कई जिलों में गरीबों के राशन की कालाबाजारी करता था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद उसकी संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जाएगी। जिन व्यापारियों ने इन लोगों से खाद्यान्न खरीदा है उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। कुल 31 लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।